देखो यहां से स्पीड देखो इसकी। बस 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 बस, बस मर गए। तो हेलो वेलकम बैक गाइस इन द न्यू गेम प्ले वीडियो ऑफ GTA 5। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। और जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, मैंने बुगाटी चुराई थी और उसके बाद मैंने आप लोगों से एंड में कहा था कि हम लोग जाने वाले चोरी करने। तो गाइस चोरी तो नहीं हो पाई, मतलब चोरी हो गई, वो आपको मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी हुआ, मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। चलो उसके लिए कोई बात नहीं, हम लोग को उस चोरी में मिले थे $200 मिलियन करीब, हम लोग को उस चोरी में मिले थे। तो उसके जो पैसे थे वो सब सबको इक्वली डिवाइड हो चुके हैं, जो 6 जन में डिवाइड हुए थे। तो गाइस माइकल को अभी यहाँ पर मिल चुकी है एक गाड़ी, मिल चुकी नहीं मतलब हम लोगों ने अपने पैसों से खरीदी है। और आप जैसे कि पैसे देख पा रहे होगे, $850 ही बचे हैं, पूरे गरीब हो गए हम लोग। ये गाड़ी गाइस लैम्बोर्गिनी FKP 37 सियान है। तो गाइस ये गाड़ी की मैंने खास बात सुनी है कि ये गाड़ी मतलब ज़मीन से बिल्कुल चिपक के चलती है गाइस, और इसकी स्पीड बहुत है, मतलब बुगाटी के ज़्यादा तो नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक इसकी तेज़ स्पीड है। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग इसी को मतलब सजाने वाले हैं और इसी से थोड़ा घूमेंगे, इसकी स्पीड टेस्ट भी करेंगे कि इसकी स्पीड कितनी जा रही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आप लोगों को आने वाला है बहुत सारा मज़ा, और अगर आपको आया मज़ा तो चैनल को लाइक कर देना, और चैनल को नहीं वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो अभी माइकल बिल्कुल कंगाल हो चुका है, देख सकते हैं आप, अब कपड़े भी बिल्कुल सड़े से पहने हैं। तो मेरे पास अभी जितने भी पैसे हैं उनसे क्यों ना मैं एक कपड़े ही खरीद लूँ। तो जल्दी से गाइस चलते हैं कपड़े खरीदने, अपन को कटिंग भी करवानी है, और फिर इस गाड़ी को सजाने के लिए तो मेरे पास इतना कुछ है नहीं पैसे। तो आगे चल के देखते हैं, कोई मिशन वगैरह करेंगे और फिर अपन सजाएंगे इस गाड़ी को। तो गाइस आप देख सकते हैं पीछे से क्या मतलब बूस्ट निकलेगा, देखना, देखो गाइस निकल रही, आग भी निकल रही है और मस्त चल रही है एकदम ये गाड़ी। मतलब ये देखो गाइस, ऐसे तुम सीधी चलाओगे तो ऐसे ही छू जाती भाई 200-300। तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा तेज़ चलाने नहीं वाला हूँ क्योंकि मेरे को पता है मेरे से ऐसी गाड़ियाँ बहुत जल्दी छू जाती हैं, आराम से चलाना है मेरे को। तो अपन लोग गाइस जल्दी से चलते हैं वहाँ पर, कहाँ पर, कपड़े की दुकान पर। ठीक है, मिलते हैं आपसे वहीं। तो गाइस यहाँ पर इतना बढ़िया चीज़ हुआ है जो मुझे देख के मतलब लगता है कि मैं कितना अमीर हूँ। ठीक है, वो ये हुआ है कि मैं यहाँ से गाड़ी लेके आराम से, यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक था, मैं रुका था, तो भाई ये बंदा जो बैठा है, पता नहीं अलग ही नशे में है ये बंदा जो बैठा है भाई, मेरी गाड़ी की फ़ोटो खींचने का, कह रहा नाइस कार। तो मैंने कही तेरी ऐसी तैसी मारूं, नाइस कार, तू साले बुरी नज़र मत डाल, और पता नहीं ये क्या हैकिंग वैकिंग सी लग रही है मेरी गाड़ी में, कुछ गलत काम ना कर दे, तू पिट जा बेटा, तू गलत ही लग रहा है मुझे, तू कुछ अलग ही काम कर रहा। भाग गया तू, भाग जा, चल कोई बात नहीं। इसको इसकी शक्ल ही गई बुरी लग रही थी, हैं भाई नशे करेंगे सस्ते, चलो कोई बात नहीं, बेचारे को हमने खामा खामा ठोक दिया है। चलते हैं गाइस अपनी गाड़ी लेकर, और मैं इतने सेफली चला रहा हूँ इस गाड़ी को, इतना डर लग रहा मुझे भाई ये ठुको को ना जाए। और गाइस इसकी इतने नीचे सस्पेंशन है, इस पर चढ़ाती मतलब ये देखो ठुक जाती है, मतलब पागल है क्या, ऐसे ही निकाले तेरा बीच से। कोई बात नहीं, हम लोग की गलती थी वो भाई, क्या वो अलग ही दुनिया में। निकल निकल जल्दी, हाँ निकल जा बिल्कुल यहाँ से साला, मैं यहाँ गाड़ी लेके खड़ा हूँ भाई, वो खाते खाते निकल रहा, उसको कोई होश ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। चलो निकलते हैं जल्दी अपन, ये पागल लोग हैं यहाँ पर। ओहो ये अच्छी गाड़ी लग रही है, ये रेंज रोवर है मेरे ख्याल से, हाँ ये रेंज रोवर है ब्रो, यू हैव अ नाइस कार। अब ये मेरे ऊपर ना भड़क जाए जैसे मैं उसके ऊपर भड़क गया था। कोई बात नहीं, हट जाओ भाई। ओहो पूरी फैमिली कहाँ निकल पड़ी, एक मिनट भाई साहब ये क्या है, हो तो तुम दो ही लोग इतना सारा सामान, अरे बाप रे, वो भी ऊपर रखा है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से लेफ्ट लेना अपन को, और यहाँ पर क्लकिन बेल छे, यहाँ पर मुर्गा वगैरह का सामान है, मतलब मुर्गा ही मिलता है यहाँ पर, अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं ढंग से। तो गाइस मैंने यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, और यहाँ पर मुझे चोरों का डर लग रहा था तो मैंने अच्छे से इस गाड़ी को लॉक कर दिया है कि ये लोग अब गेट वेट खोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। गाइस ये गाड़ी है जो बहुत महंगी, अरे यहाँ पर किसी का डॉग है, ओह यू हैव अ नाइस डॉग, ये तेरा है क्या भाई, कहाँ भागे जा रहा, पगसा लग रहा है भाई, इसमें लाद दूँ क्या मैं, नहीं ये सब काम नहीं भाई। कोई बात नहीं, जा कुत्ते तू आराम से इंजॉय कर अपने मालिक के साथ। तो अपन आए हैं अभी कहाँ पर है, पॉन्सोन बॉयज़, ओके अच्छी जगह है यहाँ पर, मतलब VIP एंट्री है,
और यहाँ पर आते ही स्वागत है अपना गाने से। अरे भाई स्पोर्ट्स वेयर देगा क्या? हाँ मुझे गाइस थोड़े से स्पोर्ट्स वेयर भी चाहिए हैं जो कि मुझे अच्छे लगते हैं। कौन से कलर का लूँ? एक मुझे ऑरेंज कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो चलो मैं ये ले लेता हूँ अभी। इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास अभी आज। ओके मैसेज आया, आई वॉजेंट, इसकी मैंने मदद नहीं करी, इसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, मैंने अवांडा की मदद नहीं करी, उसने बुलाया, मैंने कहा चल निकल पहली फुर्सत में। यहाँ पर क्या है? ब्राउज शूज़। ओके आई हैव शूज़, तो मेरे घर पे हैं यार शूज़, का मैं क्या ही करूँगा, शूज़ से मेरे को इतना कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर क्या क्या है? ओके कोट सूट वगैरह, वाओ अमेजिंग। ओह माइकल तू तो सजेगा आज, लेकिन ये बहुत महंगे, मेरी औकात से बाहर हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अमीर होंगे कभी तो लेंगे। अभी तो सिर्फ थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह लेने आए थे जो कि औकात से बाहर है। यहाँ पर बड़े महंगे कपड़े दे रही है ये पागल औरत, इतने महंगे कपड़े क्यों दे रही मेरे को? हैं रुक जा, तेरे मालिक से बात करके आता हूँ मैं। कोई मालिक है यहाँ पर? हेलो। अरे भाई ये कैसे पर्दे हैं, इतने कड़े पर्दे। कोई बात नहीं, बहुत महंगे कपड़े बेच रही है तू, रुक जा, इसको समझ में नहीं आ रहा, इसको मैं जब तक दो मुक्के दे ना दूँ। सुना क्या? एक्सक्यूज मी, कपड़े बहुत महंगे हैं भाई साहब, 4,000 रुपये का सूट दे रही है, क्या मैं पागल बैठा हूँ? कोई बात नहीं, इतने तो आएंगे ही भाई, लॉस सैंटोस है ये भी। यहाँ पर भी महंगे सूट, औकात से बाहर ही हैं। चलो एक ये कपड़े ही ठीक हैं, अपने औकात के अनुसार हैं। घड़ी का लेने का मन है, घड़ी कहाँ पर मिलेंगी? अरे यार एक गाना बंद कर तू, ये बकवास सा गाना बजाया लगी है। चलो गाइस इतनी औकात के अनुसार एक ये ऑरेंज वाला रखा तो यार तूने, दिया क्यों नहीं? अरे भाई ऑरेंज वाला रखा तो ये दे क्यों नहीं रहा है? कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या है? और यहाँ पर मेरे कपड़े लेने की औकात तो है नहीं, तो चलते हैं बाहर, क्या कर सकते हैं। के ये औरत पागल है, ये पता नहीं भाई 4,000 के कोट, अरे वाह, दुकान का नाम इतना अच्छा रखा है, पॉन सॉन बॉयज। चलो बाहर चलते हैं अभी, और अपनी लैम सेव होने का ऑप्शन, और अपनी लैम्बोर्गिनी साइड में पार्क कर दी है। चलो बैठते हैं, चलो हटो हटो भाई साइड हो जाओ। ये देखो, ये मैंने पिछले एपिसोड में भी बीड़ी वालों को पकड़ा था, ये अभी खड़े खड़े कैमरा टांगे बीड़ी पी रही है। अरे वाह, अरे वाह मैडम, क्या नाम जानती है अपना? माइकल दादा तेरे, अरे पिल्ले को मार दिया मैंने, गलत किया, रुक ये ले पैसे दे दे। हाँ पैसे कितने आए? अरे कितनी गरीब है वो, बीड़ी पिए जा रही, ये ले तेरी भैंस की आँख, चल हट। ले पुलिस लगा दी मेरे पीछे, मेरी गाड़ी कहाँ गई, भागना पड़ेगा, पुलिस वाले गाड़ी का सत्यानाश कर देंगे। जल्दी बैठो, बैठ जा रहे बुड्ढे। चलो 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 जल्दी से भगाते हैं यहाँ से, गाड़ी ठोकना नहीं है मुझे। ओके पूरी 200 स्पीड पे भगाऊंगा आज मैं, पुलिस वाले छू तक नहीं पाएंगे। हट जा रहे बाइक, और गाइज मेरे को बाइक भी चाहिए एक, तो कमेंट में बताना कि मैं कौन सी बाइक लूँ। मेरे मन में वैसे KTM है, एक KTM RC 390। ये पुलिस वाले क्या कर रहा है, एक्सीलेटर पे चढ़ गया मैं। आराम से आराम से आराम से आराम से, चलो ये तो छका देंगे, मैंने गाड़ी पेल ली। अरे यार वो उसको बीड़ी पी रही थी यार, मैंने अच्छा ही काम तो करा है, मेरे पीछे क्यों पड़ गए तुम लोग? भागो, देखो तो यार ये लोग, आह सत्यानाश होगा गाड़ी का, अभी नहीं लियो अभी सत्यानाश होगा। चलो 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 भाई छोड़ दो यार, दोष टार गई पुलिस किस बात की यार, एक बीड़ी वाली औरत को मारने गए। अरे तो गाइस आप देख रहे होगे पुलिस वाले कितने टैलेंटेड हैं, यहाँ पर वो देखो वो जा रहा है, उसको होश ही नहीं है, नशे में है साला। नहीं होश हो गया, भाग लो, दिख गया भाई मैं उनको, मुड़ जा गाड़ी यार, हटो हटो हटो, गाड़ी नहीं चलाई जा रही मेरे से, कहाँ पर, यहाँ पर घुसेड़ ले रहा गोल्फ क्लब में, हट जा, ब्रेक लग, अरे यार इसके ब्रेक फेल है क्या, ब्रेक नहीं लग रहे, देखना मैं ब्रेक लगाऊंगा। अबे 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 कौन से कंपनी के ब्रेक डाल दिए सिमियन ने, हट जाओ। चलो घास ही में लगा मैं रद्दने में, तो गाइस मैं बाहर आ गया अभी, और बड़ी मुश्किलों में आया, रास्ता नहीं मिल रहा था,
चलो 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 यहाँ से निकलते हैं, ये किसी की खड़ी है गाड़ी, पता नहीं, पेल वेल देता मैं सामने पुलिस आ रही, ब्रेक नहीं लग रहा, इसके ब्रेक फेल हो गए लग रहा। मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा, इतनी नहीं मुड़नी थी, भगा लो सीधे ही भगा लो, हट जा भाई, पुलिस वाले जीना हराम कर देंगे। मैं पता नहीं कैसी गाड़ी चला रहा है क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। A few moments later. तो गाइस पुलिस छुटाते छुटाते मेरे जन्मों निकल गए और एक दिन हो चुका है यहाँ पर। और गाइस मेरे को लेना है एक नया घर, ठीक है, फ्रैंकलिन के लिए एक नया घर लेना है, और मेरे पास अभी मुझे पता है पैसे नहीं है इतने, तो वो घर मैं सोच रहा हूँ ऊपर कहीं पे लूँ, ठीक है। तो वो घर यहाँ कहीं पे, बहुत मस्त जगह है यहाँ पर एक, और देख रहे होगे आप, देखो कितने VIP बिले बने हैं मतलब यहाँ पर। तो ये लाल वाला घर किसका है, आओ अंदर से चेक करते हैं ये घर। यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी पार्क कर देता हूँ आराम से। ओहो अपने लिए फ्री गैराज, आराम से पार्क करना है, चलो यहीं रख देता हूँ गाइस अपनी गाड़ी। अपन देखते हैं वो घर किसका है, अच्छा लग रहा है घर, तो अपन को यहीं पर एक घर लेना है और मजे करने हैं बस उस घर में। ओ यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई बिजनेस मीटिंग चल रही है, ये लोग ऐसे शांति से बैठे हैं, समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं कुछ, डर गए क्या मेरे से क्या भाई, तेरे घर माइकल एंट्रा उन्हीं के सामने। चलो निकल लो बेटा, तुम्हारा टाइम खत्म है अभी, जा चलो। क्या निकलो, बड़ी देर में दिखाई दी, निकलो जाओ। तो गाइज मैंने उन बंदों को भगा दिया है और ये घर मेरा अभी भी नहीं हुआ है, तो अपन जल्दी से गन अंदर करके इसके स्विमिंग पूल में नहाते हैं। अपने स्विमिंग पूल में मजा ही नहीं है यार, और अगर मैं अभी घर पे गया ना तो अमांडा इसके ऊपर चप्पलें उठाने वाली है, क्योंकि मैंने उसकी मदद नहीं करी और वो पुलिस स्टेशन में शायद 2-3 दिन रही होगी आराम से। आ ऊपर चले जा भाई, मर मर जाएगा, ऊपर जा, क्या आदमी है यार। चलो मैं कपड़े भी नहीं है, मैं घर पे जाऊंगा तो ठुकाई वुकाई हो जाएगी मेरी, कोई बात नहीं चलते हैं। तो गाइस हम लोगों ने नहा नहु के आ चुके हैं, अपन निकलते हैं यहाँ से जल्दी से अपनी लैम्बोर्गिनी का। मैंने लैम्बोर्गिनी का क्या हाल कर दिया, इसको पहले सही करवा लेता हूँ, शायद मेरे पास सही करवाने के भी पैसे नहीं। $135 में हो जाएगा, लैबी भी ठोकने में लगा मैं। चलो तो गाइस सबसे पहले इसको करवा लेते हैं सही, और फिर सही कहाँ से होगा, हाँ यहाँ से होगी, पास में यही है और कोई नहीं है, ठीक है ये है। तो गाइस चलते हैं जल्दी से वहाँ पे, और ये ओहो रॉयल्स रॉयस, अरे वाह, मेरी औकात नहीं है बट अभी ख़रीदने की, पूरे पैसे मैंने लैम्बोर्गिनी में लगा दिए। तो गाइस मेरा ख्याल आया कि हम लोग वहाँ पर जल्द चल के फिर मतलब कुछ नहीं करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं कुछ तबाही करने, वो सरप्राइज रहेगा, वो मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से निकालो आराम से, मेरे पतली जगहों से निकालने में बड़ा मज़ा आता गाड़ी को, इस वाली देखो यहाँ से स्पीड देखो इसकी, बस 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 मर गए। अरे भाई साहब, अरे अरे भाई ब्रेक नहीं है क्या इसमें, मैं ब्रेक दबाते जा रहा हूँ, देखो 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 अभी भी चली जा रही, देखो मैं ब्रेक दबाया और लॉल, कोई बात नहीं, पता नहीं गाड़ी ज़्यादा ठोक दी अपन ने, निकालना तेरी ऐसी तैसी, ये ले खा गोली तू, तेरी भैंस की आँख, चल निकल साइड हो जा। तो जल्दी से चलते हैं भाई, मैंने गाड़ी का क्या हाल कर दिया, पता नहीं ज़्यादा महंगे में ना सुधारे वो, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है अभी। चलो 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 आराम से चलाते हैं गाड़ी। तो गाइज अभी मैं यहाँ पर आया और मुझे यहाँ पर एक आदमी मिला, मैंने उससे बैग लिया, और वो बैग मतलब किसी अमीर आदमी के घर से वो चुरा के भाग रहा था, उसके पीछे पड़ी थी पुलिस, ठीक है। तो मैंने वो सूटकेस उठाया, उसमें गाइस मुझे मिला देखो इतने सारे रुपए, गिनो 1, 10, 100, 1000, 10 लाख, मतलब $10 लाख मिल गए उस बैग अकेले से मुझे, पूरा बैग वो भरा था और मैंने पूरे पैसे खा लिए, वो किसी को मिलने भी नहीं वाले, पुलिस वाले ढूंढते ही रह जाएंगे वो पैसे। तो गाइस मैंने वो पैसे लैम्बोर्गिनी के पीछे वाली डिग्गी में रख दिए, अब वो पैसे वो किसी को नहीं मिलेंगे और वो मेरे ही पास रहेंगे अब। तो अब अपन इसको अच्छे से कस्टमाइज करवा सकते हैं, क्या बोल रहा मैं, कस्टमाइज, ओके लॉस सैंटोस कस्टम में इसको कस्टमाइज करवाएंगे और ये आराम से चलाएंगे। क्या कर रहा मैं, कुछ नहीं भाई, गाड़ी ख़राब हो गई, इतना पेला मैंने, धुआं छोड़ दिया उसने। तो गाइस इस गाड़ी की पूरी ओवरऑल लुक मैं आपको बाहर चल के दिखाता हूँ, तो देखो ये है पूरी गाड़ी की ओवरऑल लुक, ठीक है। कमेंट में बताना कैसी लगी आपको ये मॉडिफिकेशन, और
यहाँ पर मैं पहले साइड में लगा लेता हूँ ये, अभी से धुआं। आ देखो इसका स्मोक भी देखो 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 ये भाई क्या स्मोक लग रहा, तबाही है बिल्कुल गाड़ी ये वाली। अभी मैं आपको अंदर से भी इसका इंटीरियर ज़रूर दिखाऊंगा, पहले बाहर से दिखाता हूँ एक सेकंड। और मेरी बुगाटी के लिए टेंशन नहीं लो गाइस, जो कि अपन ने मतलब वो रख दी थी, उसका कोई टेंशन नहीं है, वो अपन ने एंड में वैसे भी पार्क कर दी थी तो वो वहीं पर रखी रहेगी। उसको भी मुझे लग रहा है कि बेचना चाहिए, वो गाड़ी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने चला के देखी उसके मतलब एक्सीलेटर छोड़ देती है वो गाड़ी, ठीक है, एक्सीलेटर नहीं लेती कभी कभी, इसलिए मैंने वो गाड़ी रिपेयर कराने के लिए कह दी थी उससे, बैनी से, लेकिन वो कह रहा है रिपेयर नहीं होगी, अपन को इसको मतलब जहाँ की कंपनी है वहीं ले जाना पड़ेगा, तो फिर उसको देखेंगे अब कुछ होगा उसका। तो अभी आप इसकी लुक देखो भाई, क्या चमक रही गाड़ी, और अल्ट्रा HD ग्राफिक्स में तो ये बहुत अच्छी दिख रही है। और आपका इसका इंटीरियर मैं दिखाऊँ, इसका इंटीरियर बहुत तबाही है, मैंने इंटीरियर भी इसका करवाया था, देखो इसमें इस इंटीरियर में देखो, अपन जैसे ही ऑन करेंगे गाड़ी तो यहाँ पर इसमें ऑटो गियर है, ठीक है, अपन को वो सिस्टम नहीं है खटखट वाला, ऑटो गियर है इसमें। और अपन जब एक्सीलेटर लेंगे तो ये देखो फुल, ये मतलब आवाज़ सुनो इसकी, ठीक है, अरे मैंने तो छोड़ दिया यार एक्सीलेटर, ऑटो ही ले रहा है। और अपन अगर इसको चलाएंगे तो इसमें ऑटो गियर भी बताएगा कि मतलब कौन से गियर में गाड़ी चल रही है, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। यहाँ नीचे पे आप देख सकते हो स्पीड भी दिखाएगा ये, ठीक है। अंदर से इसका यहाँ पर डेक पे लैम्बोर्गिनी लिखा है, पीछे पीछे इसके मतलब बहुत स्पेस है, अपन वहाँ पर एक भैंस भी रख सकते हैं आराम से लिटा के। और ऊपर में आपको मिल जाता है सनरूफ, ये बहुत पतला सा सनरूफ है, आजकल की गाड़ी में तो बहुत कर रहे आते हैं, मतलब इंडियन कार्स में तो हर एक गाड़ी में सनरूफ अच्छे आते हैं। और ये साइड मिरर वगैरह और क्या दिखाऊँ, बस इतना ही है, पीछे तो कुछ है नहीं दिखाने के लिए। तो चलो जल्दी से चलते हैं अब इसको कहीं पर रखने, मैं इसको रखूँगा गैराज में, क्योंकि हमारे दुश्मन हो चुके हैं बहुत जब से अपन ने वो चोरी करी, ठीक है, तो इसको इसके लिए मुझे गैराज खरीदना पड़ेगा, मैं गैराज खरीद सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, क्योंकि बहुत अमीर हो गया अभी माइकल वो सूटकेस की वजह से। और आप अपने बैंक में जो मतलब चोरी के पैसे हैं अपने पास करीब $20 million आने थे, तो वो अभी उसमें से $10 million आए, तो उसमें से मैंने $8 million की एक गाड़ी खरीद ली, और मैंने अपने दोस्त को, और बाकी $2 million वो मैंने अपने दोस्त को दे दिए, तो अब वो दोस्त मुझे लौट आएगा उसके इंटरेस्ट के साथ वो रुपए, तो मैंने कहा चल भाई ले जा, और वो मतलब पर एनुअम के हिसाब से नहीं, पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट देगा वो मुझे, तो मैंने कहा ये तो इसमें तो मेरा ही फ़ायदा है, तो मैंने उसको वो पैसे दे दिए, मैंने कोई टेंशन नहीं ली उन पैसों की, क्या बोले जा रहा मैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और मैंने अंदर गाड़ी रखवा दी जैसे तैसे करके, आड़ी तिरछी रखे, क्योंकि अंदर ऑलरेडी 3 गाड़ियाँ रखी थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी वो, तो उसके चक्कर में वो गाड़ी आ नहीं रही थी, इसलिए वो बता रहा था, तो मैंने उनको एडजस्ट करके रख दिया है। तो अब अगले एपिसोड में अपन लोग आप लोग कुछ इतना तबाही देखने वाले हो कि बस आप लोग अच्छा लगेगा इस वीडियो को, अगर मतलब मैं इस वीडियो का लाइक एम करता हूँ 20 लाइक्स का, इस वीडियो में 20 लाइक्स आ जाने चाहिए बस किसी भी हाल में, ठीक है। और चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। इसी के साथ गुड बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।